नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आज किसान बिल के विरोध में पूरा भारत बंद है। इस सिलसिले में आज दरभंगा खान चौक पर भी बंद किया गया, जिनका सपोर्ट जन अधिकार पार्टी एसडीपीआई और अंजुमन करवाने मिल्लत ने भी किया। काफी संख्या में लोग सड़क को बंद कर केंद्र सरकार के गलत नीति गलत बिल के खिलाफ विरोध जता रहे थे, जिसमें रियाज खान कादरी अध्यक्ष, अंजुमन करवाने मिल्लत डॉक्टर अब्दुल खान मुन्ना, पूर्व जिला अध्यक्ष जाप और एसडीपीआई के कार्यकर्ता के अलावा काफी संख्या में जनता भी शामिल थी। आज आप सभी लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीधा है कि ये जो जन विरोधी सरकार है, जन विरोधी मतलब पूरे जनता के विरोधी, धीरे धीरे सबको टारगेट करती है, कभी मुस्लिम कम्युनिटी को, कभी अलग अलग कम्युनिटी को, आज किसान को टारगेट किया है। किसान विरोधी बिल लाया उसने और ऐसा वो कह रहे हैं कि किसान के पक्ष में है ये बिल। ये क्या आखिर इस बिल में है कि किसी किसान को नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ सरकार को समझ में आ रहा है। तो ये इस बिल के मुखालफत करते हैं और हम एसडीपीआई के तमाम लोग पूरे इंडिया में इस किसान विरोधी बिल के जो आंदोलन चल रहा है उसका साथ दे रहे हैं, और हमारे नेता आज दिल्ली बॉर्डर पर भी वो आंदोलन में खड़े हुए हैं और हम लोग आज यहां खान चौक पर इस आंदोलन के खिलाफ। आपका नाम? मेरा नाम अदीपुद्दीन। बिल थोपा जा रहा है भैया, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत क्या है? जो आप लोग बिल थोप रहे हैं उसके खिलाफ, किसान विरोध के खिलाफ यहाँ पर सड़क पर हम लोग बैठे हैं, चूँकि किसान ने यह आह्वान किया था कि सारे भारत के नागरिक किसान को बचाने के लिए, हमारे देश में जो काला कानून थोपा जा रहा है उसको बचाने के लिए देश के सड़कों पर बैठे। उसी समर्थन में जन अधिकार पार्टी भी खान चौक पर बैठकर अपना समर्थन किसानों को दे रही है और आगे भी देती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि 40% जो देश की अर्थव्यवस्था है, 40% अर्थव्यवस्था किसान के माध्यम से आता है। आज किसानों को, किसान ठंड से मर रहे हैं, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारत के एक एक वासी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग घर बैठे हुए हैं घर से बाहर निकले और किसान के समर्थन पर सड़क पर आए, ताकि ये अंधी बहरी सरकार को ये पता चल सके कि जनता जो जिसको आपने ठगा है, जनता अब जाग चुकी है। अगर क्या आपने किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया तो सड़क के बदले अब ये एक एक जनता दिल्ली के लिए कुछ करेगी और आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। बंदी के बारे में आपका क्या कहना है? ये बंदी आज पूरा हिंदुस्तान बंद है और ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी, सिर्फ 6-7 साल के अंदर में सिर्फ हिंदुस्तान के वासी पर घुमा फिरा के बोझ डालने का काम कर रही है। जिस तरह NRC, CA, NPR हुआ, जिस तरह किसान विरोधी बिल, अरे भाई जो चीज़ हमको पसंद नहीं है आप ज़बरदस्ती हम पर क्यों थोपिएगा? सवाल ऐसी सरकार को रहने से बेहतर, सरकार जो चोर दरवाजे से ABM की चोरी से वो जो सरकार सत्ता में आई है, आज वो जनता पर हुकूमत कर रही है हिटलर वाला, हिटलर चाल, हिटलर नहीं रहा तो नरेंद्र मोदी कहाँ से रहेंगे? जिस तरह आज किसान पर ठंड के मौसम में बानी का पाटर, उसके बाद लाठी, उसके बाद ये टीयर गैस, क्या ये देश द्रोही है क्या? ये आतंकवादी है क्या? जो किसान हमारे भाई अन्न उपजा के हम सबको खिलाते हैं, आज उस पर जबरन बिल थोपने का क्या जरूरत? अरे भाई किसान भाइयों को हम सबको बिल पसंद नहीं है, आप ख़त्म कर दीजिए, सरकार हमारी है। आप सब हिंदुस्तान वासियों से, ऐसी सरकार से बचने का काम कीजिए और किसान का दिल खोल के समर्थन कीजिए। आपका नाम? नाम हुआ सैयद खलीकुज़्ज़मा, जन अधिकार पार्टी।